Hey everyone, how are you all? Hope you all are fine. This is Sanvi Sharma. Welcome back to another video. ब्लॉग तो नहीं है ये, बट फिर भी मैं बोलूंगी चलो करते वीडियो की शुरुआत माता रानी का नाम लेके, जय माता दी। और अब चलो वीडियो का टॉपिक पे आते हैं। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट की थी कि डिड आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब, और बोला भी था कि अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी है पूछना आपने तो मेरे को कमेंट में बताना। और काफ़ी लोगों ने पूछा था तो मैंने सोचा आंसर देते हैं उन क्वेश्चंस का। और मुझे यूट्यूब से मेल भी आया था कि मेरी पेमेंट जो उन्होंने भेज दी है, और अभी तक बट मेरे पास फोन सी नहीं है। जब आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। और चलो बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले ये किसी सूर्या सिंह राजपूत ने पूछा था कि हे तन्वी, कुड यू प्लीज़ टेल मी विच बैंक अकाउंट यू एडेड ऑन एडसेंस। कैन वी एड जे एंड के बैंक ऑन एडसेंस? आप जे एंड के का ऐड कर सकते हो, बट मैंने एस बी आई का किया था और मुझे लगता है एस बी आई बेस्ट है क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल होता है। आप कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा नहीं है कि जे बैंक वाला नहीं होता अवेलेबल। बट अगर आप कल को किसी और कंट्री में जाते हो तो मे बी शायद तब दिक्कत आ सकती है। तो हाँ, इसलिए मैंने एस बी आई का चूज़ किया था। और एंड हाउ डू यू गेट स्विफ्ट कोड? स्विफ्ट कोड मैं आपको बता दूँ ये क्या होता है। ये एक ब्रांच का कोड होता है। जैसे अगर हम इंडिया में ही ट्रांसफ़र करें अपना मनी कहीं पे किसी और अकाउंट में, तो हमको आईएफएससी कोड चाहिए होता है। स्विफ्ट कोड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमको इंटरनेशनल पेमेंट करनी होती है, और जब इंटरनेशनल पेमेंट करनी होती है तो स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। ये बैंक का होता है, तो ये आपको आपके बैंक से मिल जाएगा। हाय तन्वी, मैं अभी सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग करने को, प्लीज़ कुछ टिप्स। तो यार मैं टिप्स क्या दूँ, मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलर फॉलो करना है। हाँ मतलब मैं डेली ब्लॉग करती थी तो मैं अपनी लाइफ ही शेयर करती थी। अगर आपको ट्रैवल ब्लॉग करना है, फूड ब्लॉग करना है, तो उसके लिए बस जो मन में है वो करो। मतलब कुछ फेक नहीं दिखाना होता जैसे मैंने किया। मतलब मैंने फेक नहीं दिखाया था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो बस नेचुरल रहो, जैसे हो वैसे ही रहो, भगवान आपको तरक्की दे। और ये किसी सक्सेस पॉइंट फॉर यू एस ने पूछा था कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं। ये तो आप एडसेंस में जब जाओगे तो पेमेंट आता है, वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करोगे, फिर नीचे आता है ऐड योर पेमेंट डिटेल्स, उसको क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम, अपने अकाउंट का नंबर और बैंक कौन सा वो डालना होता है, और बैंक का आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड आपको डालना होता है। इसके अलावा जो भी उन्होंने पूछा होता है उसको स्किप करना होता है और कुछ नहीं, बस फिर ऐड हो जाएगा। प्लीज़ ये बताओ आपने यूट्यूब स्टार्ट कैसे किया और आपका चैनल ग्रो कैसे हुआ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसे बता देती हूँ, मैंने यूट्यूब शुरू किया, फिर धीरे धीरे ब्लॉग डाले। ग्रो कैसे किया वो तो आपके प्यार की वजह से हुआ ना। एडसेंस वालों ने न्यू पॉलिसी निकाली है, टैक्स भी काटेंगे। हाँ, एडसेंस वालों ने नया पॉलिसी निकाला है कि वो टैक्स भी काटेंगे, बट अगर आप उनको अपनी टैक्स डिटेल नहीं देते हो तो, अगर देते हो तो वो तब नहीं काटेंगे। अगर आपने अपना टैक्स डिटेल नहीं डाला है तो वो 25% काट लेंगे। ये किसी शर्मा नाम, दुनिया भर शर्मा है, लिखा हुआ है, आई रियली वॉन्ट ना आस्क कि हाउ डू यू लाइक स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब शुरू करने का, बस एक वीडियो बनाई थी और दोस्त को भेजी थी। वो नहीं था कि मैं कहीं पर पोस्ट करूँगी, कुछ भी नहीं। उस टाइम मैं इंस्टाग्राम पर भी नहीं थी, मैं पहले चला देती थी, बट मैंने अकाउंट अपना डीएक्टिवेट कर दिया था कि नहीं, अपनी सोशली इतना एक्टिव नहीं रहना था, मेरे को पसंद नहीं है इतना सोशली एक्टिव रहना। बट मैंने वो वीडियो बनाई ऐसे रैंडमली और दोस्त को भेजी कि यार देख मैंने वीडियो बनाई है, तो उसने बोला कि अच्छी बनाई है तो उसको पोस्ट कर। और मैंने बोला नहीं यार, मेरे को नहीं पसंद है ये सब, मैं नहीं कर रही पोस्ट वोस्ट, बट मैंने कर लिया था। फिर धीरे धीरे वीडियोज डालती रही और आप प्यार देते रहे, फिर और मन करता था वीडियोज़ बनाने का। फिर मैंने चैलेंज ले लिया 100 व्लॉग्स का, और धीरे धीरे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आपको यूट्यूब चैनल को शुरू करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस होता ना कि हाँ वीडियो बनानी है, मतलब मन से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँगा या बनाऊँगी, तो आप वीडियो बना सकते हो। और कुछ नहीं चाहिए आपको यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, बस हाथ में फ़ोन पकड़ो और शुरू हो जाओ। हाउ टू गेन व्यूज़, इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा कि व्यू कैसे गेन करते हैं, बट ट्रेंड से चलो, जो ट्रेंडी टॉपिक चल रहे हैं उस पर वीडियो भी बनाओ, या फिर आजकल रिएक्शन वीडियोस भी बहुत चल रही हैं वो बना के देखो,
या फिर अपने कल्चर के बारे में बताओ, लोगों को इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, तो गुड लक। फर्स्ट पेमेंट का क्या करोगी तन्वी? ये तो नहीं सोचा मैंने यार, फर्स्ट पेमेंट का क्या करूँगी, अभी आने तो दो, अभी बस मैसेज आया और लिखा था विद इन 5 डेज पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, अगर नहीं आई तो बैंक वालों से कॉन्टैक्ट करो, और मैं उम्मीद करती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना पड़े, उससे पहले ही आ जाए। तो बस यही कुछ पूछा था आप लोगों ने, मेरे को लगता है मैंने अच्छे से जवाब दे दिया, आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगी। और हाँ, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और जल्दी मेरी फर्स्ट पेमेंट आ जाए, फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और चलो कर रही हूँ इस वीडियो को एक एंड, आई होप आपको ये वीडियो में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी होगी जो आपको मदद करे। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।